कांग्रेस के राज में सब जो बच्चे पढ़े लिखे थे उनको नौकरी मिलती थी, अभी इस राज में नौकरी नहीं मिलती। 1000 रुपए उसको वोट देंगे, ये 1000 रुपया बस। हम लोग यही बस कहेंगे कि हम लोग जाएंगे कमल में। आपके दिव्यराज सिंह यहाँ से विधायक थे, उन्होंने क्या क्या किया? किया तो कुछ नहीं है, सरकार कर रही है। यहाँ पर बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं और बहुत हुए भी है, इसका कोई अभी तक मनो खोज नहीं किया। क्या किसी को रोजगार है? नहीं, यही गोली खा के दारू घर मिलती है बस। सिरमौर विधानसभा की जनता ने दिया अजब गजब जवाब। सिरमौर विधानसभा में जनता से सवाल जवाब पर लोगों ने कहा कि वो वोट तो कमल को ही देंगे, लेकिन हमारे विधायक 10 वर्ष में आज तक कभी हमसे मिलने नहीं आए। सड़क किनारे हम लोग बसे हैं, विधायक जी यहीं से निकलते हैं पर रुकते तक नहीं और ना ही जनता का हाल पूछते हैं। आगे सिरमौर विधानसभा के लोगों ने बताया कि विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, लेकिन ये सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम वोट विधायक जी को नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पर कमल को ही देंगे। देखिए जनता का ओपिनियन, हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ल के साथ कैमरामैन प्रशांत शुक्ल की खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। आज मैं रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण जन है, मैं आज इनसे चुनावी दंगल पर जानूंगा कि किसकी सरकार होगी, किस कौन उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगा, कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना पलड़ा भारी कर रही है, इन सब विषयों पर मैं आज चर्चा करूंगा। हमारे साथ ग्रामीण जन है, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, क्या है चुनावी माहौल, चुनाव में कौन सी पार्टी का नेता आपके यहाँ हावी दिख रहा है, किसको आप लोग वोट देने की कोशिश करेंगे? ये तो चुनाव के आने के बाद पता चलेगा, जब वोटिंग मतलब देंगे जब। नहीं, आपके मुद्दे क्या होंगे, कौन सा नेता आपके मुद्दे पर काम कर रहा है? अभी 2 पंचवर्षीय आपके दिव्यराज सिंह यहाँ से विधायक थे, तो उन्होंने क्या क्या किया? किया तो कुछ नहीं है, सरकार कर रही है। उनके द्वारा, विधायक जी द्वारा क्या किया? कुछ नहीं, हमारे ग्राम पंचायत सदन में उनके द्वारा कुछ नहीं है, काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वोट देंगे उनको, इसी बात नहीं है। काम नहीं किया है फिर भी वोट देंगे, ऐसा क्यों? ऐसा हो रहा है कुछ जो पार्टी कर रही है ये नहीं कर रहे हैं, सरकार ऐसा कुछ कर रही है। हमारे यहाँ से आज 15-10 साल से वो विधायक है, रोड के किनारे से यहाँ से वो, मतलब जब जाते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि रोड किनारे जनता है इनको, ताकि खरीद के जमीन ना दें, पार्टी उनकी सरकार है, ताकि जमीन तो दिलवा, सरकारी जमीन तो दिलवा सकते हैं। राम गरीब आदिवासी जी, आपके सिरमौर विधानसभा प्रत्याशी हैं, कैसे देखते हैं उनको कि यहाँ से उनका चुनाव कैसा रहेगा? यहाँ से तो कोई नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेंगे खाली दिव्यराज सिंह जी, यहाँ से निकलेंगे सिर्फ दिव्यराज। आप बोलते हैं कि वोट भी नहीं देंगे, वोट देंगे विधायक जी को, विधायक जी यहाँ से निकल जाते हैं, हमसे मिलते नहीं, हमको जमीन भी नहीं देते हैं और कोई काम भी नहीं किया है, लेकिन वोट आप दिव्यराज जी को ही देंगे। अभी लाडली बहना योजना चल रही, उसका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, लाडली बहना मिल रहा है। हाँ, इसको वोट देंगे आप? मुझे 1000 रुपया उखाद है। तो रुपया देने के लिए तो कमलनाथ भी कहते हैं कि हम 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। अभी दिया नहीं है, जब दे देंगे तब उसके मिलेंगे, जिसके पा रहे हैं उसी को देंगे। नहीं तो जब आप लोग वोट देंगे, जैसे राम गरीब यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो अगर आप इनको वोट देंगे तो फिर सरकार बढ़ेगी उनकी, तब वो पैसा देंगे? ऐसा ना हो, आगे रुपया बटी ही नहीं पाई वो। अच्छा, पहले जो पैसा देगा वही वोट पाएगा। दादा, किसान सम्मान निधि, खेती किसानी करते हैं आप? हाँ, खेती किसानी करता हूँ। किसान सम्मान निधि जो मुख्यमंत्री जी की मिलती है, आपको ही मिलती है? हाँ, मिलता। विधायक जी से आपकी क्या मांगे हैं जो अभी तक 10 सालों में नहीं पूरी हो पाई? नहीं, हमसे पहुंचे तक पा कर कभी मिल पाए नहीं, यहीं तो रोड रोड चले जाए, बड़े लोगों के पास जाते हैं, बड़े लोगों से मिल के आपस में हो जाए। वोट ले ही अमा, वोट उनको नहीं दे रहा, देंगे पर उनको मैं नहीं दे रहा हूँ, देंगे उनके नाम से, जब मोदी जी के उनसे ही दे रहे। मोदी के नाम से विधायक जी का वोट देगा है ना? और अपना पंचिंग के कुछ स्थानीय मुद्दा जौन हो कि जौने के समस्या अपना पंचिंग की बनी हो या अपना पंचे ना कई पावत हुई गया जी? सबसे बड़ी समस्या सर यही है, जो रोड में हम लोग घर है, बच्चे यहाँ पर बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं और बहुत हुए भी है,
इसका कोई अभी तक मनो खोज नहीं कर पाए हैं कि कहीं सरकारी जमीन नपवा के दिला दे, मतलब सरकारी जमीन दे दे तो हम वहाँ अपना आवास बना ले यहाँ रोड के किनारे। यही काफी जगह है सर, अब हम लोग कहे तो वाद विवाद होगी, जिसकी जो कब्जा कहे है उसमें लाठी चलेंगी, इसलिए उनसे मेरा यह दरख्वास्त है कि वो आके कहीं सरकारी जगह जमीन देख के और हम लोगों को वहाँ स्थापित करें। तो आप तो बोलते हैं कि आपके विधायक जी आते नहीं है, और जब विधायक जी आते ही नहीं तो आपकी बात सुनेंगे कैसे? बात वो नहीं है, बात ये है कि सत्ता जो जिसकी ये सरकार ये अपनी चल रही है भाजपा की, वो काम ठीक कर रहे हैं, यहाँ के आदमी कर्मचारी लोग ये नहीं कर रहे हैं जो है उनके नीचे जी। अच्छा, एक यहाँ बहुजन समाज पार्टी से यहाँ बीडी पांडे एक प्रत्याशी है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? वो अब उनको मैं किसी को और कुछ नहीं कहूंगा, बस हम लोग यही बस कहेंगे कि हम लोग जाएंगे ठीक कमल में बस। आप बीडी पांडे जी से आप लोगों की मुलाकात हुई है? नहीं, जब आए ही नहीं तो किससे ना, वो ये आदिवासी का नाम है राम गरीब, वो भी नहीं आए, ना लक्ष्मण तिवारी आए, ना कोई आए, तो कैसे ऐसे कह दे? अभी तक किसी से मुलाकात हो ही नहीं पाई। जब आए जब ना मुलाकात हो, जब आए ही नहीं तो कहां से मुलाकात हो? किसको वोट देंगे? हम तो राम गरीब कोल को देंगे, राम गरीब। हाँ, क्या ऐसा है उनके अंदर? कांग्रेस के राज में सब जो बच्चे पढ़े लिखे थे उनको नौकरी मिलती थी, अब इस राज में नौकरी नहीं मिलती। 1000 रुपए घर तो सबके लिए मिलता है, गरीबन भर का नहीं, अमीरों को मिल रहा है घर का पैसा। मतलब पढ़ाई में महत्व तो कांग्रेस देती है, इसलिए हम देंगे। जो भापड़ देती, कहीं फैक्ट्री दबा देती, इतने लेबर है तो काम करते वहां पर, जब किसी को रोजगार है नहीं, यही गोली खा के दारू भर मिलती है बस, जब चुनाव आ जाता है भाषण भर देते हैं। मतलब आप राम गरीब जी को वोट देंगे? क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल जो कुछ जहाँ देना है वो दे आपसे। और क्षेत्र में आप घूमते होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही घर और कोई सीट नहीं आई है तो बीजेपी आएगी तो फिर कांग्रेस, बीजेपी या तो कांग्रेस। बताने के लिए सब लोग बताते हैं जो जिससे जुड़ा है कि हमारी बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हम किसी की नहीं है, वोट यही दो पार्टियों में है। अच्छा, स्थानीय मुद्दा कुछ है आप लोगों के पास, जो जिस मुद्दों को लेके यहाँ के विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? तो जो भी आता है चुनाव में भाषण देगा, फिर यहाँ कहेगा नहीं किसके घर में दुख है सुख, जाएगा भी तो अपने महल में घुस जाएंगे, निहारते नहीं, दीपराज जाएंगे तो वहाँ वहाँ भी जो चमचे हैं वो बोलेंगे चमचे की बार, एक घंटे में दो घंटे में यही हाल रहता है। मतलब चुनाव तक दिखेंगे, चुनाव के बाद गायब, चुनाव के बाद यहाँ कोई मिलता ही नहीं। सबसे अच्छा हमारे लिए राम गरीब नहीं, चुनाव के मुद्दा का सिरमौर विधानसभा का है मुद्दा का नहीं, हम यह जानना चाहते हैं चुनाव का मुद्दा का है, विकास का मुद्दा का, कौन काम बच्चे हैं जो बहुत सिरमौर विधानसभा खातिर जरूरी है? विधानसभा का जरूरी है कि हमारे यहाँ जंगल में बहुत जमीन सरकारी पड़ी है, अगर यहाँ कौन फैक्ट्री होती है कौन नहीं का करवा दी है, यहाँ की जनता जो विकास और नहीं जा सकती राहत मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। अब एक पिछले 10 साल से दो पंचवर्षीय से दुर्गा सिंह जी की विधायक है, कहाँ काम करी, उनके काम से अपना संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं निकाल। अच्छा, अपना से कई बेन दीजिए, 10 साल में अपना किसी बेच बेच लगा कौन गाँव से है अपना वार्ड नंबर 12 नगर पंचायत का, अभी अपना कौन पार्टी के बोर्ड का से हाँ मान ले जाए कंफर्म नहीं है ना, दबाव बोर्ड कर दिया और चले हवा मेरे साथ केका देव भैया को भाजपा का का कुछ मुद्दे हैं चुनाव दस साल में विधायक जी का विकास करी है
सिरमौर विधानसभा ऐसा कौन प्रमुख मुद्दा है जो उन्हें कर लाई के हर पार्टी चुनाव जो उन अपना का लागत को अभी तक नहीं हो पाया आगे जी विराट सिंह नहीं है के वो इधर करा भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक योजना चालू राजनी बैठा नहीं मिले काहे लोगों में एरिया क्यों ना आवास योजना का लाभ मिला आवास योजना का लाभ नहीं मिला केखा वोट दे में किसी को कहा मानी के मुद्दा कहा हुई अपना पानी अपना का सुविधा नहीं मिली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।